गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 8.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 कर लिया हमने और क्वेश्चन नंबर 5 हम स्किप करने वाले हैं। देन क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। द रेशियो ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम इन एन एलॉय, किसी एलॉय के अंदर कॉपर और एल्यूमिनियम का रेशियो कितना है? 3:5। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। रेशियो ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम, कॉपर और एल्यूमिनियम का रेशियो कितना दिया हुआ है? वो है 3:5। ठीक है, और हमें वेट ऑफ कॉपर बता रखा कितना, 12.2 केजी। और वेट ऑफ कॉपर कितना है? वेट ऑफ कॉपर वो है 12.8 केजी। हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है वेट ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बात करते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वेट ऑफ कॉपर और वेट ऑफ एल्यूमिनियम रेशियो कितना है? 3:5। कॉपर का वेट कितना है? 12.8 केजी, और एल्यूमिनियम का हमें निकालना है, एल्यूमिनियम का हमें निकालना है। तो 3/5 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 12.8 मल्टीप्लाई 5, और ये 12.8 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू एल्यूमिनियम मल्टीप्लाई 3, और ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, यानी कि एल्यूमिनियम का वेट हो जाएगा आपका 12.8 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 3। 12.8 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 3। तो इसको सॉल्व करते हैं अब। तो ये जाएगा आपका 12.8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12.8 मल्टीप्लाई 5, 5 0 8 5 40 0 कैरी 4, 5 2 10 प्लस 4 14 कैरी 1, 5 1 5 प्लस 1 6। ठीक है, और ये हो जाएगा 64। कितना हो जाएगा? 64। 8 5 40 0 कैरी 4, 5 2 10 10 प्लस 4 14 14 का 1, 5 1 5 प्लस 1 6। तो ये आया 64 डिवाइड बाय 3, और 64 को 3 से डिवाइड कर लो आप, 1 टाइम 2 टाइम 6 0 4, 1 टाइम 3 1.03, तो ये आएगा 21.3 केजी अप्रॉक्स। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का वेट कितना हो गया? एल्यूमिनियम का वेट हो जाएगा हमारा 21.3 केजी। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 21.3 इसका आंसर आ रहा है आपका, तो पीछे चेक भी करो तब भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मतलब बेसिकली इस क्वेश्चन में पता क्या जनरली क्या हो रहा है, थोड़ी सी कैलकुलेटिव हो रहा है, कैलकुलेशन बढ़ रही है, बाकी सॉल्व करने पर आंसर एग्जैक्ट आपको मिल जाएगा। मतलब कॉन्सेप्ट तो सिंपल है लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी जा रही है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ रेशियो बॉय एंड गर्ल इन अ स्कूल इज 5:7। तो क्वेश्चन नंबर 7, रेशियो ऑफ बॉय एंड गर्ल, बॉय एंड गर्ल वो है इज 5:7, और बॉय कितने? बॉय हैं 700, हमें पता लगाना है स्कूल में गर्ल्स कितनी है। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नंबर ऑफ बॉय अपॉन नंबर ऑफ
गर्ल्स, और रेशो क्या है 5:7, बॉयज कितने हैं 700, गर्ल्स हमें फाइंड आउट करना है 5:7, तो यहाँ से गर्ल्स का रेशो आ जाएगा 7 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई अपॉन 5, 5×5 वन टाइम 20, 4×0 14×7 = 8480, तो गर्ल्स हैं स्कूल में 840, कितनी है 840, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बॉयज का रेशो 5:7, बॉयज अपॉन गर्ल्स, बॉयज की वैल्यू 700 अपॉन गर्ल्स इक्वल टू 5/7, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 700 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय 5, तो गर्ल्स का रेशो वहां से निकल के आ जाएगा। देन अगला लास्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। अ मैप इज गिवन विद अ स्केल ऑफ 2 cm इक्वल 50 km, व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस इफ देर आर 7.5 cm अपार्ट फ्रॉम द मैप। अब यहाँ पे क्या बता रखा है, एक मैप है, क्वेश्चन नंबर 8, मैप में क्या बोला हुआ है 2 cm कितने के इक्वल है, 2 cm है हमारा 50 km के इक्वल, और हमें क्या बताना है एक्चुअल डिस्टेंस बताना है, और मतलब 2 cm 50 cm के इक्वल है, हमें यहाँ से देखो 2 cm किसके इक्वल है 50 cm के इक्वल, तो यहाँ से 1 cm कितना हो जाएगा, तो 1 cm हो जाएगा हमारा 50 km डिवाइड बाय 2 और ये 25, यानी कि यहाँ पर सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 cm इक्वल टू 25 km, हमें क्या बताना है, हमें बताना है 7.5 cm कितने के इक्वल होगा, तो हो जाएगा 25 × 7.5 km, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो 7.5 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 25, 5×5 = 25 कैरी 2, 7×5 = 35 + 2 37, 051, 5781, ये आया 187.5, कितना आया 187.5 km, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, देन एक्सरसाइज 8.2 आपकी कंप्लीट होती है।